देश के दो राज्यों में टिकट पर बवाल मचा हुआ है। तस्वीरें आपने बवाल की देखी, जो कार्यकर्ता नेताओं के पोस्टर लगाते थे, जो अपने ही नेताओं के पोस्टर की पूजा करते थे, वो अब उनके पोस्टरों पर कालिख पोत रहे हैं। जिन नेताओं की जय जयकार किया करते थे कार्यकर्ता, उनके पुतले जला रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हंगामा हो रहा है। सड़क से लेकर पार्टी दफ्तर तक बवाल मचा हुआ है। जिनको टिकट नहीं मिला उनके समर्थक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। सबसे पहले आपको हम मध्य प्रदेश बीजेपी का बवाल दिखाते हैं। जबलपुर से छिंदवाड़ा तक बड़े बड़े नेताओं के सामने हंगामा होता रहा। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से धक्का मुक्की तक की गई, तो छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी ने कल अपनी पांचवी लिस्ट जारी की, जिसमें 92 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। कैंडिडेट्स के नाम जैसे ही सामने आए, लोगों ने नाम सुने, तो उसी के बाद बवाल शुरू हो चुका था। भूपेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें आप देख रहे हैं जबलपुर से। इसके अलावा छिंदवाड़ा में भी केंद्रीय मंत्री के साथ किस तरह से उन्हीं के सामने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें। जबलपुर की बात कर लेते हैं। दरअसल जबलपुर में जो हुआ उसकी कल्पना बीजेपी नेताओं ने कभी की नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने पार्टी ऑफिस में हंगामा शुरू हो गया। देखिए तस्वीरें, पार्टी दफ्तर की तस्वीरें हैं। भूपेंद्र वहां पर मौजूद हैं, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, और उन्हीं की मौजूदगी में किस तरह से जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, उनको घेर लिया है। ये आप देख रहे हैं, सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी है, गले में ये आप देख रहे हैं कि पटका डाला हुआ है। और उन्हीं की मौजूदगी में जब जैसे ही टिकट्स अनाउंस हुई, जैसे ही उन 92 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, तो समर्थकों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, ऑफिस में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इतना बड़ा कि केंद्रीय मंत्री लोगों की भीड़ में फंस गए और उन पर भी धक्का करने ये समर्थक लगे। हंगामे का कारण क्या रहा वो आपने नारेबाजी से समझ लिया, सुन लिया। दरअसल वीडी शर्मा को टिकट दिया गया यहाँ से, और जो प्रत्याशी के समर्थक हैं वो बेहद नाराज और गुस्से में थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को घेर लिया और कहा कि बाहरी प्रत्याशी उन्हें नहीं चाहिए। बीजेपी दफ्तर में बवाल की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टिकट ना मिलने पर किस तरह से प्रत्याशियों के जो सोच रहे थे कि वो प्रत्याशी बनेंगे, उनके समर्थकों की तरफ से हंगामा किया गया। ऑफिस के अंदर देखिए किस तरह से नारेबाजी होती रही। हालांकि केंद्रीय मंत्री के जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स वहाँ पर थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की, किसी तरह से हालात ना बिगड़े, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, उसके मद्देनज़र भी समझाने की, मनाने की कोशिश की गई। लेकिन हालात आपके सामने। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गद्दार कहा जा रहा है वीडी शर्मा को, चोर कहा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है। जो वहां पर समर्थक पहुंचे हुए हैं वो उन्हें गद्दार कह रहे हैं, बाहरी कैंडिडेट कह रहे हैं, और ये हंगामा, ये नारेबाजी दफ्तर में कम से कम 2-3 घंटे तक यूं ही चलती रही। जबलपुर में बवाल की तस्वीर आपने देखी। बवाल क्यों हुआ अब उसकी वजह भी आपको बताते हैं। ये हंगामा हुआ जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट के मसले पर। टिकट के 3 बड़े दावेदार थे, पूर्व मंत्री शरद जैन, पूर्व मेयर प्रभात साहू और प्रदेश यूथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अभिलाष पांडे। जैसे ही अभिलाष पांडे को टिकट मिलने का ऐलान हुआ, शरद जैन और प्रभात साहू गुट के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी ऑफिस पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। और हंगामे के बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आई, कैसे धक्का मुक्की हुई, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश, राजस्थान से
बार बार देखने को मिल रही हैं, चाहे प्रत्याशी कांग्रेस के हों या बीजेपी के, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं और उन्हीं की नाराजगी के चलते वो बड़े बड़े नेताओं के सामने हंगामा कर रहे हैं। जबलपुर ऑफिस में जो हुआ वही सब छिंदवाड़ा बीजेपी दफ्तर में भी हुआ। सबसे पहले आपको नाराज कार्यकर्ताओं की नारेबाजी सुनाते हैं। क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है, तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपने देखी, क्योंकि यहां पर भी जमकर बवाल हुआ। ये तस्वीरें देखिए, ये छिंदवाड़ा में बीजेपी का ऑफिस है, यहां पर केंद्रीय मंत्री हैं और उनको घेर कर बिल्कुल जबलपुर में जैसा घटनाक्रम हुआ उसी तरह की तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं। ये जो समर्थक हैं ये यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, इनमें भी नाराजगी है। लखन वर्मा के खिलाफ ये नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। छिंदवाड़ा की चौरई सीट को लेकर दरअसल ये पूरा गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला, प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली। टिकट के दावेदार दरअसल तीन लोग थे और दो लोग यानी कि रमेश दुबे और चंद्रभान सिंह की बात की जाए, चौधरी चंद्रभान सिंह की, तो उनको टिकट नहीं मिला और यही कारण है कि हंगामा यहां देखने को मिला। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट कटने पर नेताओं के समर्थकों का बवाल लगातार जारी है। कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय के पोस्टर पर कालिख पोती, ये कांग्रेस के खेमे से खबरें सामने आ रही हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन का पुतला तक फूंका गया। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में जमकर कार्यकर्ताओं ने और जिन लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा उनके समर्थकों ने हंगामा किया। किस तरह से दिग्विजय सिंह के पोस्टर्स पर कालिख पोती गई वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। जैसी स्थिति बीजेपी में है उसी तरह की स्थिति टिकट बंटवारे को लेकर अब कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर कालिख पोतने के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह का पुतला भी जलाया। देखो ये जो है निकम्मे बाप है और ये नाकाबिल बेटे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाए, ये कांग्रेस में आग लगाने को तैयार है, इसलिए हम इनमें आग लगाने के लिए आए। तो वहीं भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में हंगामा मचा रहे कार्यकर्ताओं ने टिकट की दलाली तक का आरोप लगाया और कहा कि पैसे लेकर टिकट बेच दिए गए। वो
भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। नेता समझाने की कोशिश करते रहे लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मान मनवल का दौर कांग्रेस में जब शुरू हुआ तो जो कार्यकर्ता हैं वो मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। ये भोपाल कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से प्रदर्शन करते हुए आपको समर्थक नजर आ रहे हैं। विरोध सिर्फ दिग्विजय सिंह का नहीं हो रहा है, कमलनाथ भी निशाने पर है। टिकट बंटवारे से नाराज शुजालपुर के सैकड़ों कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगले के बाहर पहुंच गए और बंगले के बाहर सड़क किनारे पंगत लगाई और वहीं पर बैठकर खाना भी खाया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट को लेकर दरअसल बवाल सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि राजस्थान बीजेपी में भी गदर मचा हुआ है। राजस्थान बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट सामने आई है उसके बाद चित्तौड़गढ़ में हंगामा शुरू हो गया। चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद विधायक चंद्रभान सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में कार्यालय पर जमा हो गए विधायक के, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कार्यालय पर लगे प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर भी कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिए। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ सीट से लगातार दो बार विधायक रहे चंद्रभान सिंह की जगह नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया है। ये वही नरपत सिंह राजवी हैं जिनका बीजेपी ने जयपुर के विद्याधर नगर से टिकट काट दिया है। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको ये राजस्थान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी खेमे में जब टिकट की अनाउंसमेंट हुई तो किस तरह से जो पूर्व विधायक के समर्थक हैं वो नारेबाजी करने लगे और उनका ये कहना है कि उनके विधायक का टिकट क्यों काट दिया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान को लेकर बवाल मच चुका है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो राजस्थान में बयान दिया उस पर बवाल मच चुका है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से प्रियंका की शिकायत की है। इसमें राजस्थान में प्रियंका की चुनावी सभाओं पर रोक लगाने तक की मांग की गई है। विवाद दरअसल राजस्थान के दौसा की एक सभा में तब हुआ जब प्रियंका गांधी ने बयान दिया। प्रियंका ने अपने भाषण में बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने भीलवाड़ा के देव नारायण जी मंदिर में जो लिफाफा चढ़ाया उसमें केवल 21 रुपए निकले। देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देव नारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं, लिफाफा खोला 21 रुपए निकले।